my dear children, my dear students, I am C.A. Rachna Purushvastav and I am extremely, extremely happy to connect with all of you here. दोस्तों, ये जो सीरीज अनाउंस की गई है, सभी महाबलीज आप सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर ऑल ऑफ यू टू ऑफर यू द बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्लासेस ओवर यूट्यूब An Academy YouTube channel, our own very own CA Foundation 360 channel, और आप सभी को यहाँ पर BCR का जायजा देने के लिए आई हूँ मैं. So दोस्तों, आप सभी आने वाले समय में December 23 exams लिखने वाले हैं. 12th of April को आपका batch start हो रहा है और यहाँ पर BCR की जानकारी आप सभी को दे दूँ. अभी हाल फिलहाल BCR के लिए कोई ऐसी अनाउंसमेंट आई नहीं है. सो वी ऑल आर कंसीडरिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ योर कोर्स और कोर्स के तहत आपका जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसके तहत पेपर टू का सेक्शन बी 40 मार्क्स का है आपका BCR. ठीक, थैंक यू guys and girls, to all those of you who are watching and all those of you who have connected with me over Telegram, other platforms, foundation students ke saath itna zor aur itna connection mera tha nahi, but ab jabki aap sab aaye, aap sabne bola ki ma'am bahut acha lag raha hai hame language communication correspondence ye jaan kar nayi nayi baatein seekh kar apne aap ko thoda sa evolved aur developed hum mehsoos kar rahe hain, ye mere liye bhi bahut khushi ki baat hai. Mujhe na apna vision saakar hota dikhta hai jab main students ko ye jankari deti hu ki yaar BCR सिर्फ 40 मार्क्स का कोई ऐसा इंग्लिश वाला सेक्शन नहीं है. इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रामर, इट्स नॉट ओनली अबाउट वोकैबुलरी, इट्स नॉट ओनली अबाउट राइटिंग वेल और स्पीकिंग वेल. दिस इज अ फुल फ्लेज्ड पैकेज. BCR जो है ना पूरा, दिस फॉर्म्स अ बेस ऑफ योर एंटायर प्रोफेशनल जर्नी. आपका ना पूरा ये आपका फेस और बेस दोनों बन जाता है. ठीक है, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे लिखते हैं, कैसे आप रिज्यूमे अपना प्रिपेयर करते हैं, हाउ यू पार्टिसिपेट इन एन इंटरव्यू, हाउ यू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीजें आपका एक आपका रिफ्लेक्शन होता है हाउ यू कम्युनिकेट. ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है. सो गुड कम्युनिकेशन, गुड BCR इज नॉट ओनली अबाउट योर एक्सलेंट मार्क्स इन पेपर टू, बट ऑल्सो दिस इज ऑल अबाउट एनहांसिंग योर पर्सनैलिटी. ये पूरा ना आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये आपका पूरा ना पर्सनालिटी बूस्टर है. ठीक है, समझ में आ रही आपको बात? ठीक है, सो आपकी पूरा ये पर्सनालिटी की बात हम करेंगे यहाँ पर. और ऐसे सब्जेक्ट्स है कि पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, सीखने में भी बहुत मजा आता है, आप अपने आगे की प्रोफेशनल जर्नी की यहाँ पर पक्की पक्की तैयारी करते हैं. ठीक, एक आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, आप समझ लें कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम प्रोसीड करेंगे. ठीक है ना, तो चलिए जी. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले ना आपकी लॉ की क्लासेस चलेगी. लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ ग्लिम्स. पहले आपकी लॉ की कवरेज चलेगी. ठीक है, फिर जुलाई ऑनवर्ड्स हमारी BCR की कवरेज चलेगी प्लस क्लासेस पर. ओके, जुलाई ऑनवर्ड्स ओवर प्लस क्लासेस. बहुत सारे क्लासेस आप सब मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं स्पेशल क्लासेस पर, प्लस क्लासेस पर. अभी अभी मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की कुछ सेशंस शुरू कर रही हूँ. अभी मैं जून वालों के लिए, जून 23 वालों के लिए काफ़ी सारी PYQs, MTPs एंड राइटिंग स्किल्स पर फोकस क्लासेस शुरू कर रही हूँ. आप सब चाहें वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं. जुलाई ऑनवर्ड्स हम BCR पर पूरा फुल फ्लेज्ड यहाँ पर फोकस हम करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया. अब बात करें BCR की, है क्या क्या इसमें, हमें करना क्या क्या है. दोस्तों, माई क्लासेज आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू यू नो आई वुड से जस्ट pointers 1 to 10 in your study material, but also we will include A to Z of whatever it takes to make you a better professional, to give you that professional rhythm, to help you fall in the grid of this professional course. समझ में आई बात? So यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे stereotype बिल्कुल ऐसे कि यार थोड़ा सा होता था, ये देख लेना, ये देख लेना, ये कर लेना. नहीं, ऐसा नहीं है. This is what makes our classes different from others. ठीक है, so पेपर टू में सेक्शन बी है, मैक्सिमम मार्क्स है 40. 40 मार्क्स के लिए क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. कैसे पढ़ेंगे वो आप क्लासेस में खुद ही ले लीजिएगा. ठीक है ना, सो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपका होता है लॉ, है ना. लॉ में होता है क्वेश्चन नंबर 1 to 6. अरे मेरा रिव्यू जो है वो थोड़ा सा कभी कभी खेला कर देता है. ओके ना, 7 to 11 इज BCR. ठीक है, अब 7 to 11 में होता क्या है, देखिए भाई, 7th क्वेश्चन है मैंडेटरी और बाकी 8, 9, 10, 11 से आपको करना होता है कोई तीन. ठीक है, तीनों का पैटर्न एक जैसा होता है. 7th का क्या क्या है, 7th के अंदर इसके दो पार्ट्स होते हैं, सब मैं आपको अभी बता देती हूँ.
इंट्रोडक्शन सा एक दे देती हूँ सिलेबस का, एग्जाम के पैटर्न का, ताकि आप सब मेंटली जो है प्रिपेयर हो जाए. आप यहाँ क्लासेस में आए तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि हम करने क्या वाले हैं. ठीक है ना. चलिए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसका पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स होते हैं. सो पार्ट ए इज कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज लाइक ना समथिंग लाइक अनसीन पैसेज दैट यू हैव डन, अनसीन पैसेज दैट यू हैव डन इन योर स्कूल टाइम. ठीक है. सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है. आप जो रीड करते हैं ना उसको अंडरस्टैंड करना. जो लेवल होता है अनसीन पैसेज का, दिस इज स्लाइटली बेटर देन स्कूल. और क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर बोथ बेस्ड ऑन टेक्स्ट एज वेल एज बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट. दोनों ही बताऊँगा. ठीक है. सो कंटेक्स्ट क्या, टेक्स्ट क्या, भाई एक होता है जो लिखा हुआ है ना, उस पर से हमको आंसर निकालना है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. एक होता है जो बात कही गई है उस पर आपका एप्टीट्यूड, आप कितना समझे, कई बार आपकी ओपिनियंस, कई बार आपका अपना जो है इनपुट उस पर मांगा जाता है क्वेश्चंस के जरिए. सो इट्स ऑल अबाउट ग्रास्पिंग द आइडियाज. अ गुड ग्रास्प ऑफ वर्ड्स ऑफ वॉट एवर यू आर रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, आप में से कुछ बच्चे कर कर आते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं किया होता 11th 12th में. कई सारे बोर्ड्स में है नोट मेकिंग, कई जगह नहीं है, बट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. दिस नोट मेकिंग दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट नाउ इन सीए फाउंडेशन, दिस इज सर्टनली अ लेवल अप. ठीक है. सो इस पर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर गुड नोट्स, लीनियर नोट्स, नॉन लीनियर नोट्स, हाउ टू प्रोसीड विद लीनियर नोट्स इन केस यू हैव टू राइट. सो पॉइंटर्स, इंडेंट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द टाइटल, हाउ टू अप्रोच राइटिंग अ समरी विदाउट रेफरिंग टू द पैसेज, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डू स्टेप वाइज. ठीक है. स्टेप वाइज अंडरस्टैंडिंग. एंड सबसे बड़ी बात है, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नोट मेकिंग, हम क्यों कर रहे हैं ये. ठीक है. किसी भी चीज को जब आप जानते हैं ना कि आप क्यों कर रहे हैं, इट बिकम्स इजीअर फॉर यू. जब आप जानते हो कि आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे वजह क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो आपको एक थ्रस्ट देता है, वो आपको एक बूस्ट देता है उस टॉपिक को करने का और उस सब्जेक्ट को अच्छा तैयार करने का. ठीक. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ध्यान से देखना. इन चारों क्वेश्चन का ना पैटर्न एक ही होता है. ए इज कम्युनिकेशन पार्ट ए, है ना. ईच क्वेश्चन हैज गॉट सब पार्ट्स. 8 सब पार्ट ए बी सी, 9 सब पार्ट ए बी सी, 10 सब पार्ट ए बी सी, 11 सब पार्ट ए बी सी. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन, यूजुअली ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है. इसके बाद आपका ये जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट है, दिस इज यूजुअली ऑफ 3 to 4 मार्क्स. ठीक है. 3 to 4 मार्क्स का आपका ये रहता है और ये आपका यूजुअली 4 to 5 मार्क्स. आप देखो ये आपका हो गया कुल मिलाकर के 10 मार्क्स का. ठीक है. 10 मार्क्स का. और ये जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये ए कॉम्प्रेंशन, बी नोट पेकिंग, दिस इज 5 मार्क्स इच, दिस इज ऑल्सो 10 मार्क्स. ठीक है. दिस इज ऑल्सो 10 मार्क्स. सो ये हो गया आपका वेरी सिंपली 40 मार्क्स का कवरेज. 10 मार्क्स एंड 10 × 3. ठीक है ना. 30 मार्क्स. समझ आ गई सब लोगों को ये वाली बात. चलिए जी, नेक्स्ट सिलेबस देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या हमें कवर करना है, दैट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. काफ़ी क्रूशियल है ये, ध्यान से देखना है इसको. ठीक है. ध्यान से इसको आपको देखना है. सो दिस इज योर एंटायर BCR सिलेबस और इसको थोड़ा सा ना आप लोग सब ध्यान से देख लीजिए. ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको बेसिकली 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करने हैं. सिलेबस इंक्लूड्स ओवरऑल चैप्टर्स, ओवरऑल टॉपिक्स. सो हियर आर योर टॉपिक्स लिस्टेड. बिजनेस कम्युनिकेशन वेटेज मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी. करीब करीब 6 से 8 नंबर का, 6 to 8 मार्क्स का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का वेटेज होता है. 3 क्वेश्चंस में मैंडेटरी आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा. इसके साथ में वोकैबुलरी एंड ग्रामर ये एक साथ क्लब होता है. जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3 to 4 मार्क्स का
अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है. सो 9 टू 12 मार्क्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 12 मार्क्स का आपका इसका वेटेज होता है. कॉम्प्रेंशन आना ही आना है 5 मार्क्स का. फिर ये नोट मेकिंग आपको 5 मार्क्स के आसपास देखने को मिलेगी ही. बिजनेस मीटिंग्स, राइटिंग बेसिक्स के अंदर जो है आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे. बिजनेस मीटिंग्स इज मोर अबाउट राइटिंग एन एजेंडा, व्हाट यू मीन बाय अ नोटिस, हाउ टू प्रिपेयर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स. एंड देन साथ साथ में एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट आती है, वो आता है व्हाट यू मीन बाय रेजोल्यूशंस. मीटिंग्स पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, तो फाइनली वट एवर कम्स आउट ऑफ द मीटिंग, हाउ टू रिकॉर्ड दैट पार्ट. तो ये सब आपको मीटिंग्स के अंदर कराना है. अब ये मीटिंग्स और प्रेसी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इनमें से ना कुछ सेक्शंस हर बार पूछते हैं. सो बेसिकली एग्जाम में ये आपने देखा 6 to 8 मार्क्स का हो गया, ये 10 मार्क्स का, करीब 20 to 25 मार्क्स का जो है ना ये सेक्शन होता है राइटिंग वाला सेक्शन. अगर आप देखें तो इसमें 10 मार्क्स का तो ये इंक्लूड हो गया भाई, है ना, 10 मार्क्स का तो ये चला गया, 15 नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना. तो अगर आपके 2 हटाना चाहें हटा दें, आप इसको 15 कर दें, क्योंकि 10 मार्क्स का तो ये हो ही गया, 10 मार्क्स का ये हो गया कॉम्प्रेंशन नोट मेकिंग. 15 नंबर के लिए बिजनेस मीटिंग्स में से क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसी आता ही आता है, आर्टिकल्स मोस्टली आता है एग्जाम में, अक्सर हर एक टर्म में आप देख सकते हैं एकाध ना एकाध आर्टिकल रिपोर्ट के साथ, कई बार चॉइस होती है. इस बार जैसे एग्जाम में 2 आर्टिकल्स लिखने को आ गए थे, है ना. सो इस तरीके से आपका राइटिंग सेक्शन में से अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो ICAI चूज करता है और आपको एग्जाम में डालता है. ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, कभी लेटर्स आता है, कभी ईमेल आता है, इन दोनों में से जनरली एक चॉइस देखने को मिलती है. रिज्यूमे अक्सर एग्जाम में आया करता. So this is, you know, where there are 7-8 topics and institute has a, institute makes a choice, hai na? Institute has to give you an option of maybe writing 3-4 topics. इस तरीके से आपका जो है वेटेज ये डिजाइंड है पूरे पेपर का. एक्चुअली इतना कुछ है टॉपिक्स में, सब्जेक्ट में इतना कुछ है, लेकिन है तो लिमिटेड 40 मार्क्स के लिए. यही चक्कर है कि आपको पढ़ना और सीखना थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि एग्जाम में आपको 40 मार्क्स के लिए ही लिखना है. और करीब करीब 1 आवर आपको मिलता है, 60 to 70 मिनट्स का करीब करीब आपको ना टाइम मिलेगा लिखने के लिए. जब आप एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं, नियर अबाउट 60 to 70 मिनट्स का आपको ये टाइम मिलता है. ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, टाइम अलॉटमेंट, ये सब कैसे करेंगे. ये सब क्वेश्चंस से कुछ सैम्पल आप लोग जरूर देखना चाहेंगे. सैम्पल क्वेश्चंस, मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो भाई मैं आपके लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो लिख करके लेकर आई हूँ यहाँ पे. देखिए भाई, तो जैसे अब हम बात करें, ब्लू कलर ले लेती हूँ, ईजी हो जाएगा. ये कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन चैप्टर में किस तरीके के कंसेप्ट्स चेक होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के लिए. कमेंट फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है. समटाइम्स आईज डोंट सी एंड ईयर्स डोंट हियर. अब ये कैसा कम्युनिकेशन है, इसमें मैम मैं क्या लिखूं भाई. व्हेन वी विल यू नो अकॉम्प्लिश आवर गोल्स फॉर दिस चैप्टर, you would be well versed with writing these kind of answers. Theek, eyes don't see and ears don't hear, this is what, lack of focus and attention. So here you have to talk about, you have to write in your answer, you have to present some keywords about this section, which is called focus and attention, which is an important principle, essential element of any communication for it to become effective communication. Theek hai, so ye answer hum log likhenge. Clues maine kuch kuch aap sabhi ke liye na de rakhe hain. करेक्ट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जब हम कमेंट करते हैं तो हम लिखेंगे भाई टुवर्ड्स द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट, वी हैव टू टॉक एंड वी हैव टू राइट अ फ्यू थिंग्स अबाउट फोकस एंड अटेंशन, इफेक्टिव लिसनिंग, है ना, हाउ टू इंटरप्रेट, एंड व्हेन द माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड, व्हेन द अटेंशन इज डाइवर्टेड, व्हेन वी आर डिस्ट्रैक्टेड, समटाइम्स थिंग्स गो through, you know, go, keep going through the surroundings, sometimes things flash in front of our eyes, but we yet are unable to take account of it or maybe to consider it as happened. So basically, we have to talk a few things about focus, about attention, what is the significance of focus and attention in communication and effective listening, how hearing and listening can be different, and every time what we hear cannot be converted, cannot be grasped or cannot be interpreted easily unless we are attentive enough towards what we have to listen and what we have to attend to. So ye sari baatein hum log karenge. Aapko detailed answers kaise exam mein present karna hai, kaun se keywords aapko exam mein marks dila sakte hain, ye sari cheeze hum log dekhenge.
सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये भी देखो जैसे कमेंट सेक्शन बहुत आता है, कमेंट में ही आते हैं 2 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल कम्युनिकेशन, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, बहुत कुछ आता है एग्जाम. जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी ऐसे बहुत आते हैं, कलर्स हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड मीनिंग, कमेंट. अब कलर्स हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड मीनिंग, वी ऑल नो यस कलर्स डू हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड मीनिंग, लेकिन इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे. But here you have to talk about visuals. Here you have to talk about non-verbal communication. We all know colors, जैसे हमारा tricolor है. Tricolor means what? अगर हम अपना तिरंगा झंडा देखें, it represents India, right? हमारे Indian flag के हम तीनों colors की बात करें, saffron जो है, that is भगवा जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? It is a color of valor, color of pride, color of bravery, right? White is for peace, green is for prosperity. So, ये सारी चीजें जो है ना धन धान्य संपन्नता की निशानी है हरा रंग जो है. इसके अलावा कलर्स फूल के कलर, जैसे गुलाब का फूल भाई पिंक इज फॉर ब्यूटी है ना. फिर और क्या होता है, हाँ येलो कलर होता है, ब्लैक इज फॉर एविल, येलो कलर इज फॉर फ्रेंडशिप, राइट. सो रेड इज फॉर लव. यू ऑल नो दिस वेल, आप मेरे से बेटर जानते हैं. सो कलर्स ऐसे ट्रैफिक लाइट्स आपने देखे हैं, है ना, विजुअल्स है ये. सो कलर्स हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड मीनिंग. हाउ टू प्रेजेंट इट, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, दिस इज पार्ट ऑफ एसेंशियली पार्ट ऑफ नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, कई बार ऑफिस प्रेजेंटेशंस में कोई स्पेसिफिक कलर कोड्स होते हैं, ठीक है, इनको कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब मैं आपको जब हम चैप्टर कवर करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा. काफी सारी क्लासेस YouTube पे ली जाएंगे आपके लिए, बहुत सारी क्लासेस आपके लिए प्लस पे, स्पेशल पे, आपके टेस्ट और जो है राइटिंग सेक्शन, प्रैक्टिस सेक्शन, ये सब आपके लिए कवर किया जाएगा. ठीक, अब जैसे देखो वोकैबुलरी सेक्शन कैसा आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, मार्क एंटोनिम्स, मार्क साइनोनिम्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे एक वर्ड आपको दिया है टर्निस्ट, इसका आपको साइनोनिम मार्क करना है. साइनोनिम मींस व्हाट, मीनिंग. ध्यान रखना होगा इन बातों का, हड़बड़ी हड़बड़ी में गलतियां होती हैं, बाकी ये सब बोनस मार्क्स हैं. टार्निश का क्या मतलब होता है? टार्निश का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी चमक कम कर दी गई हो, चमकहीन बनाना. चमकहीन ये किसी प्रकार के स्टेन के लिए भी यूज हो सकता है, किसी की कोई ऐसे इंसल्ट हो गई, हाँ किसी चीज को दागदार कर दिया उसके लिए भी यूज हो सकता है. टार्निश्ड, टार्निश का मतलब होता है चमक को कम करना. जैसे टार्निश सिल्वर होता है, टार्निश मेटल होता है, जिसकी चमक को कम कर दिया गया. अब देखो आप, लस्टरस, डल, ब्राइट, यूजलेस, क्या करोगे आप सबसे पहले? सबसे पहले आप जो करेंगे ना वो ये है कि सबसे पहले हम ऑब्वियस जो एलिमिनेशन है उसको कर देंगे. लस्टरस यानी लस्टर वाला, इसको तुमने काट दिया, है ना, लस्टर. टार्निश ये तो उल्टा है, ये तो इसको अपोजिट लग रहा है. सेम वे ब्राइट, ये भी मुझे अपोजिट लग रहा है. यूजलेस और डल, यार यूजलेस नहीं है टार्निश. टार्निश सिल्वर देखो जैसे कितना महंगा मिलता है मार्केट में, मेटल की हम बात करें, टार्निश मेटल बहुत सारी जगह यूज होता है, काम आता है. सो यूजलेस नहीं है, डल इज द करेक्ट आंसर. डल है ना, डल विद कलर, विद शाइन, विद लस्टर, डल. ठीक है, समझ में? हाउ टू चूज अ साइनोनिम, या तो आपको सीधा सीधा मीनिंग मालूम हो, पर ICAI आपको हमशक्ल्स वाला ऑप्शन देगी हमेशा. ICAI ऑफर्स यू एकदम हमशक्ल ऑप्शंस. कई बार दो दो ऑप्शंस आपको सेम टू सेम लगते हैं, यार ये तो सेम टू सेम लग रहा है. उस केस में हम क्या करें, उस केस में आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा. पहले हम करेंगे एलिमिनेशन और उसके बाद आप इसमें जो है अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करेंगे और पिक कर लेंगे synonyms. पॉम्पस, अब पॉम्पस किसी को मतलब मालूम होगा, लाउड, चमक, चमकीला, दमकीला, भड़कीला, पॉम्पस. हाँ, I want a pompous lady in the party. ठीक, so innocent, wise, smart. Well, wise और smart से लेना देना तो है नहीं. अब हमें जो जानना smart और flamboyant, every loud person, हर भड़कीला चीज, भड़कीली चीज, जरूरी नहीं कि smart हो. smart को भी हम कट करते हैं. Flamboyant thing, yes, somebody who carries themselves with a lot of aplomb, something which is loud, something which is too catchy and confident is flamboyant. ठीक है, जो ऊपर की तरफ दिखे, जो ऐसी ज्वलित दिखे, बहुत sharp, bright लगे,
फ्लैम्बॉयंट, पॉम्पस इज द मीनिंग, ठीक है, पॉम्पस काफी करीब है इसके, इसलिए हमने फ्लैम्बॉयंट को चूज किया, देख रहे हो। तो ये तैयारी करनी पड़ेगी, ये एक दिन में नहीं आता, वोकैबुलरी एक दिन में नहीं बढ़ती है, मीनिंग्स एक दिन में नहीं आते हैं, रोज 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 थोड़ी थोड़ी तैयारी हमें रोज करनी होती है, ठीक। ये देखिए, जैसे इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं इडियम्स के मीनिंग, इडियम्स मुहावरे, गुड ऑफिसर्स का मीनिंग बताओ। Until unless you have used good offices ever, you have heard good offices ever, how will you pick up the correct meaning? So somebody got a job in a nearby office through good offices of his father. He got his internship through good offices of his father. Good offices, influence. Someone's influential position, influence. या तो यूज किया हो या तो सुना हो, इसलिए कहा जाता है लैंग्वेज से सराउंड करो खुद को, अगर लैंग्वेज डेवलप करनी है, सीखनी है आपको लैंग्वेज, एक्सपर्टीज चाहिए आपको लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, लैंग्वेज इज ऑन दी अ मीन्स, है ना, बात इंग्लिश की नहीं है, बात किसी भी लैंग्वेज की, अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए खुद को सराउंड कीजिए आप उस लैंग्वेज से, ठीक। अब आपसे आराम से बन जाएगा, प्लेस वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड वेल, ग्रेट ऑफिस बिल्डिंग एट समवनस ऑफिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समवन, absolutely, मैम ने बोला था ना किसी के influences के जरिए, किसी के influence में, किसी के impact में, तो बस फिर ये तीन पार्ट हो गए wrong और ये D हो गया बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा भी अगर इसमें आपको मालूम है ना तो आप easily elimination कर लेते हो। मुहावरों में कभी भी literal meaning को हटा दिया जाता है, कभी भी जहाँ से literal meaning दिख रहा है ना उसको हटा दिया जाता है और जो meaning indicate हो रहा है उसको काम में लिया जाता है, understood? कभी भी literal meaning को हटा दिया, ठीक। चलिए अब जैसे ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करिए, दिस इज नरेशन, वॉइस चेंज करिए, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके लिए आपको रूट्स मालूम होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, रुद्र सेट टू किंजल आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट टेंस है, से नहीं है, सेड है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हमें आस्क लगाना होगा अगर क्वेश्चन मार्क है तो, राइट। अब अगर यहाँ पर आर है तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई अगर आर है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है तो मैं जब ये इन्वर्टेड कॉमास हटाऊंगी तो मुझे यहाँ पर इफ लगाना होगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो आर यू का यहाँ पर बनेगा शी वॉज, ये मुझे सीखना होगा। अगर मैंने स्कूल में बहुत अच्छे से किया है तब तो ठीक है, अगर मैंने स्कूल में बहुत अच्छे से नहीं किया तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी, मुझे लर्न करनी होगी, मुझे ग्रामर डेवलप करना होगा अपना। अब आराम से बन जाएगा, आपको ना ये ऑप्शंस नहीं आते हैं एग्जाम में, जब आप एग्जाम देते हो ना आपको ये ऑप्शंस नहीं आते, आपको सीधा सीधा कन्वर्ट करना होता है। आप देखिए अगर आप सीधा सीधा कन्वर्ट करें, रुद्रा आस्क किंजल इफ शी वॉज स्टूपिड, डी जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही जवाब है। तो या तो आपको चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको ऑप्शंस आए ना आए, आपको आना चाहिए ना चेंज करने के लिए, दैट इज द ट्रिक, दैट इज द आइडिया, सीखना है ये सब, ठीक है। आप देखो, अरे एक और रिपोर्टर स्पीच का मुझे लगा था वॉइस का क्वेश्चन है, आई सेड टू हर व्हाई डू यू लाइक मी, अब अगर क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाई है, ठीक है, सो आस्क्ड अगेन, सेड टू हर है यहाँ पर, आस्क्ड होना है, व्हाई है ना तो कुछ नहीं आता है, जब क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच होता है तो यही कंजंक्शन बन जाता है। अब डू यू लाइक मी, वाई शी लाइक मी, खत्म बात, ये पास्ट टेंस बन जाएगा, वाई शी लाइक्ड मी, खत्म बात, आई आस्क्ड हर वाई शी लाइक्ड मी, आई इंक्वायर्ड व्हाई डिड शी लाइक मी, वाई शी लाइक मी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। सो समझ में आ गया सब लोगों को, ये पार्ट ये सीखेंगे हम डिटेल्स में करेंगे, इसके अलावा आप जब हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट अ लेटर, राइट एन ईमेल, राइट अ रिज्यूमे, राइट एन आर्टिकल, प्रेसिव मेमो, एजेंडा, एमओएम रिपोर्ट, ये सब हमें डिटेल्ड कवरेज करनी है। नॉट ओनली डू वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, बट ऑल्सो वी हैव टू लर्न अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टॉपिक्स एंड हाउ वी अप्लाई दीज टॉपिक्स इन डे टू डे वर्क लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ आप आगे जाकर के जीने वाले हैं, डे टू डे वर्क लाइफ में कैसे इन चीजों का इस्तेमाल होता है, कैसे ये चीजें आपको दूसरों से आगे लेकर जाती है, बहुत जरूरी है, जरूर 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 हम सबको साथ में करना। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, आप मेरे साथ जरूर जुड़ना चाहेंगे आगे,
क्लासेस के लिए बेटा अनअकैडमी चैनल को जरूर फॉलो करते जाइए, टेलीग्राम चैनल्स पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, VCR का भी अपना एक हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं. And I look forward to see each one of you in my plus classes, special classes, and also over these YouTube sessions that we are planning to organize. Welcome to Unacademy and enjoy your classes. Take care. Bye-bye, everyone.